सुनील शेट्टी की बेटी एक्ट्रेस अथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल के सीक्रेट अफेयर से पर्दा हट चुका है। दोनों स्टार्स ने अपने रिलेशनशिप पर काफी समय तक चुप्पी साधे रखी थी, पर अब दुनिया के सामने अथिया के लिए केएल राहुल का इजहार मोहब्बत सामने आ चुका है। बुधवार को फिल्म तड़प के प्रीमियर पर दोनों पहली बार मीडिया के सामने नजर आए। अथिया और केएल राहुल को एक साथ स्टेज पर देख उनकी तस्वीरें लेने के लिए लाइन लग गई थी। अथिया केएल राहुल का हाथ पकड़े स्टेज पर पहुंची और उन्होंने पेपराजी को कई स्माइलिंग पोज दिए। इस दौरान दोनों सेलेब्स के चेहरे पर खुशी नजर आई, मानो वे एक दूसरे का हाथ हमेशा के लिए थामना चाहते हैं। प्रीमियर में अथिया के पापा सुनील शेट्टी और मां माणा शेट्टी भी शामिल हुईं। अथिया का पूरा परिवार केएल राहुल के साथ फोटोज देते नजर आए। अथिया के भाई अहान शेट्टी के फिल्म प्रीमियर में केएल राहुल की मौजूदगी बड़ी बात है। हाल ही में 5 नवंबर को अथिया के बर्थडे पर केएल राहुल ने अपने रिश्ते पर ऑफिशियल मुहर भी लगाई थी। उन्होंने अथिया के साथ क्यूट फोटो शेयर किया और हार्ट इमोजी के साथ लिखा, हैप्पी बर्थडे मेरी लव @ अथिया शेट्टी। उनके इस पोस्ट ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। लोगों ने केएल राहुल के इस पोस्ट पर अथिया को बर्थडे विश भी किया और कपल को बधाई भी दी। आपको बता दें कि अथिया और केएल राहुल लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जुलाई में इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज के समय अथिया भी केएल राहुल के साथ नजर आई थी। रिपोर्ट्स थी कि केएल राहुल ने BCCI में सबमिट किए डॉक्यूमेंट्स में अथिया को अपना पार्टनर बताया है। वहीं सुनील शेट्टी से जब दोनों के रिलेशन पर पूछा गया तो उन्होंने इस पर जवाब तो नहीं दिया पर इनकार भी नहीं किया। और अब केएल राहुल और अथिया के रिलेशन के ओपन होने के बाद लगता है सुनील को बेटी के रिश्ते से आपत्ति नहीं थी, बस वे सही समय का इंतजार कर रहे थे।